This channel does not promote any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for only educational purpose. Hello friends, welcome to my channel. आज हम बात करने वाले हैं कि हम वाकई में किसी का भी Google account hack कर सकते हैं और कर सकते हैं तो किस तरीके से करें? तो ये सब मैं आज आपको बताऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा गूगल अकाउंट हैक करने के लिए पहला तरीका है फिशिंग दूसरा है डिवाइस में की लॉन्गर इंस्टॉल करना और तीसरा है ब्रूट फोर्स फिशिंग फिशिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम किसी भी तरीके की हैकिंग कर सकते हैं जैसे कि हम किसी का भी वेबसाइट का एक ब्लू तैयार कर सकते हैं उसके बाद हम किसी के भी अकाउंट की डिटेल्स अपने पास बुला सकते हैं तो ये फिशिंग वर्ड ही बहुत ही डेंजरस है सो so गाइज इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हैकर होते हैं इन्हीं तरीकों से जो फिशिंग के जो यूज होते हैं उन्हीं तरीके से हमारा अकाउंट हैक करते हैं जो उनके लिंक्स होते हैं गाइज वो थोड़े से भी डिफरेंट होंगे तो आप उसको देख सकते हो पहचान सकते हो अब हम बात करेंगे की लॉगर के बारे में सो so गाइज जो की लॉगर होता है जो हमारे फोन फोन में नहीं होता जो हमारे होता है हमारे कंप्यूटर में सो गाइज कंप्यूटर लैपटॉप इन सब चीजों में हमारे होते हैं की लॉगर्स सो गाइज कुछ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स होते हैं जिसमें नहीं होते बट अगर ये आपके में है तो आपका जो डाटा है वो चोरी होने का डर है और ऑनलाइन भी चोरी हो सकता है ऑफलाइन भी चोरी हो सकता है गाइज सो गाइज इसी को हटाने के लिए आपको मैं बताऊंगा अगर आप अपने कंप्यूटर का अगर आप स्क्रीन कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदे बंद रहेगा क्योंकि इन कंडीशन में आप अपने कंप्यूटर पे आप अपने कीबोर्ड का यूज नहीं करते और वो आपकी नजर नहीं रख पाता कि आप क्या टाइप करते हो सो गाइज अगर आप स्क्रीन की यूज करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि जिसकी वजह से आपका जो डाटा है वो बचा रहेगा अब बात करते हैं ब्रूट फोर्स के बारे में सो गाइज ब्रूट फोर्स में एक ऐसा है कि आप किसी भी जो हैकर होते हैं यार कि जैसे कि आपका कोई भी डाटा है तो वो आपको लेने के लिए आपका जो अकाउंट होता है उसके पासवर्ड डालने के लिए वो एक डिक्शनरी टाइप होता है तो गाइज उसमें आपके जो पासवर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से वो पासवर्ड डालेंगे नंबरिंग वाले इसलिए गाइज जो होते हैं पासवर्ड उसको आप डिजिट्स में अल्फ़ाबेट्स में एंड सिम्बल्स में आप डाला करिए जिसकी वजह से जो आपका डाटा है वो सेफ रहेगा और जो आपके पासवर्ड रहते हैं वो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे सो so गाइज़ ऐसी वीडियोस लेने के लिए मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना और लाइक करना जरूर सो so गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर